तो श्री राम राघवन जी की नई मूवी मेरी क्रिसमस अब थिएटर्स में लग चुके, जिसमें हमें कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति नजर आ रहे। लेकिन क्या ये मूवी भी हमें अंधाधुंध जैसी मिस्ट्री या फिर उसके लेवल का मजा दे सकती है? वेल, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वेल, लेकिन उसको जानने के लिए तुम्हें मूवी की थोड़ी बहुत चीजें तो जान लेनी चाहिए। लेकिन उसके बारे में आपको बता दूं कि आप में से लगभग 97.9% लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले इसके अगर स्टोरी की बात करें ना, तो चिंता मत करो, स्पॉइलर्स नहीं दूंगा। तो इसमें हमें एक ही रात की स्टोरी देखने को मिलती है, स्पेशली क्रिसमस की रात की। यहाँ पे एक रात को कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति का कैरेक्टर एक दूसरे को एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लेकिन अब वो कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं और आगे क्या क्या चीजें होगी, वेल इसके लिए तुम्हें यह मूवी देखनी पड़ेगी। और मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएंगे। लेकिन ये स्टोरी भले ही सिंपल लगे ना, लेकिन यही स्टोरी इस मूवी की जान है। और यही पैटर्न हमने श्रीराम राघवन जी की अदर मूवी जिसकी अंधाधुंध में भी फॉलो करते हुए उनको नजर आया था। लेकिन इस मूवी की बाकी की जो चीजें ना, वो मूवी को अच्छा खासा सपोर्ट कर देती है। जैसे कि इस मूवी का टोन ले लो, इस मूवी की सेटिंग ले लो, या फिर इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर ले लो, ये सभी चीजें एक साथ आके आपको इस मूवी से बांधे रखती है, जो आपको काफी अच्छी खासी वाइब दे जाती है और जिससे तुम अच्छा खासा एंजॉय भी कर जाते हो। लेकिन उसके साथ साथ ही इस मूवी में हमें विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ के पेयर में नजर आ रहे, और उन दोनों ने भी काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन अगर तुम श्रीराम राघवन जी के मूवीज का स्टाइल तुम्हें पता है, तो मैं ये बात भी बताऊंगी कि वो अपने मूवीज में ट्विस्ट और टर्न्स डालने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। और वैसे भी उन्होंने इस मूवी में भी वैसे ही सेम चीजें करने की कोशिश की है। इस मूवी में भी उन्होंने अच्छे खासे ट्विस्ट और टर्न्स डाले हैं। आई मीन स्टार्ट से ही आपको पता चलता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो चीजें पक रही है। और आगे जाके उसका जो भी हमें रिजल्ट देखने को मिलता है ना, वो हमें अच्छा खासा सरप्राइज भी कर जाता है। लेकिन ये सभी चीजें अंधाधुंध जैसे हिट नहीं हो पाती। लेकिन जैसा उनका स्टाइल है ना, वैसे ये मूवी, आई मीन अगर तुमने उनकी बाकी की मूवीज देखी है तो तुम्हें ये बात क्लियरली पता चल रही होगी कि उनकी मूवीज में हमेशा क्या हो रहा है, ये जानने के लिए तुम्हें मूवी में थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ता है। और वैसे ही सेम पैटर्न वो इस मूवी में भी फॉलो करते हुए हमें नजर आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि इस मूवी में हमें अंधाधुंध जैसी चीजें देखने को मिलेगी, तो शायद तुम थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो। इस मूवी की सभी चीजें अंधाधुंध जैसी तो हाइट बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि मूवी में एक दो जगह ऐसी जहाँ पे तुम थोड़े जोन आउट फील कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमें लंबी चौड़ी बस कॉन्वर्सेशन ही देखने को मिल जाती है। तो हाँ, तुम वहाँ पे थोड़े जोन आउट हो सकते हो। और ऊपर से ये मूवी अपना अच्छा खासा टाइम लेती है चीजों को सेटअप करने के लिए, तो हाँ इसके चलते थोड़ा फर्स्ट हाफ स्लो फील हो जाता है। Well, तो ओवरऑल अगर बात करें ना, तो देखो मेरी क्रिसमस को अगर तुम अंधाधुंध जैसी मूवी होगी ऐसा कंपेयर करके अगर जाओगे, तो तुम थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट फील हो सकते हो, क्योंकि ये मूवी अपना चीजों का सेटअप करने के लिए टाइम लेती है, तो तुम्हें ये मूवी थोड़ी बहुत स्लो भी फील हो सकती है। लेकिन इस मूवी का जो टोन है, इस मूवी की जो सेटिंग है, और ऊपर से इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्टर्स का परफॉर्मेंस है ना, ये सभी चीजें आपको ओवरऑल तो अच्छा खासा मजा दे जाती है। बट क्लियरली इट्स नॉट द बेस्ट वर्क ऑफ श्री राम राघवन, क्योंकि उन्होंने जो भी इस मूवी में चीजें की है ना, वो अच्छी है, लेकिन वो ऐसे 100% कंप्लीट हुए ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। लेकिन ये सभी मेरे ओपिनियन से, मैं तुम्हारे ओपिनियन सुनना जरूर से पसंद करूंगा। तो तुम्हारे इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और वेल, इन्हीं सारी चीजों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर रैपअप कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी चैनल पे नया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप में से 97.9% लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इसके साथ साथ ही कल हनुमान ये मूवी भी रिलीज हो गई थी, जिसके ऊपर भी मैंने बात की है, तो उसे भी यहाँ पे जरूर से चेकआउट कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइड वाइन एसजेटीवी।